तो भाई देखो, एक अच्छा इंजीनियर बनना या अच्छा डॉक्टर बनना या अच्छा डांसर बनना या अच्छा सिंगर बनना या अच्छा क्रिकेटर बनना या अच्छा एक्टर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो लाइन मैंने अभी भी बोली ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोली, तो मैं बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ नन अदर देन रियान पराग की। देखो यार, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम सब ने IPL 2024 में रियान पराग की बैटिंग को भर भर के एंजॉय करा। जिस तरीके से मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन उनकी बैटिंग स्टाइल में को मिला, देख के मजा आ गया और देख के हर कोई बोला कि रियान पराग जल्द ही इंडियन टीम में जगह डिजर्व करते हैं। बहुत लोग का ये भी मानना था कि रियान पराग जो हैं हमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी दिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड सामने आता है रियान पराग का नाम उस स्क्वाड में शामिल नहीं होता है। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब रियान पराग का नाम T20 वर्ल्ड कप 2024 के इंडियन स्क्वाड से मिसिंग होता है तो यह देख के कोई बहुत चौंकता नहीं है। हां, लोग थोड़ा बहुत उम्मीद लगा के जरूर बैठे थे कि रियान पराग क्या पता T20 वर्ल्ड कप में जा सकते हैं, लेकिन जिन नामों को T20 वर्ल्ड कप में एज अ बैट्समैन कह लें या एज एन ऑलराउंडर कह लें शामिल किया गया था, उन नामों को देख के कोई ये नहीं कह रहा होता है कि यार इसकी जगह रियान पराग होना चाहिए था, क्योंकि जितने लोग भी वहां पे स्क्वाड का हिस्सा थे उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग डिजर्व करते थे कि वो एटलीस्ट इस समय रियान पराग से पहले ही T20 वर्ल्ड कप में जाएं। अब देखो, इससे पहले कि मैं पूरा मामला अच्छे से समझाऊं, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मैंने भी आप सब की तरह रियान पराग की बैटिंग को IPL 2024 में भर भर के एंजॉय करा, देख के सच में बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। लेकिन पता है मैंने और ज्यादा क्या एंजॉय करा? मैंने और ज्यादा ये एंजॉय करा कि रियान पराग एज अ पर्सन जो थे वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो पूरे तरीके से बदल चुकी थी। पिछले सीजन तक वो जो एक तफरी करने वाला बच्चा हुआ करते थे, हर समय मजाक करते रहते थे, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लगते थे, IPL 2024 में उनके अंदर एक सीरियसनेस दिख रही थी। जैसे वो पिछले सीजन तक कुछ भी ओंगे पोंगे स्टेटमेंट दे देते थे जिनका उनके कर्मों से कोई लेना देना नहीं होता था, काम वो कर रहे थे इस लेवल के, बातें वो करते थे उस लेवल की, तो वो जो रियान पराग था ना, वो रियान पराग जब IPL 2024 में पूरे तरीके से बदल गया, वो सिर्फ जवाब जब अपने कामों से दे रहा था, तब मुझे लगा कि हां भाई, ये इंसान अब T20 वर्ल्ड कप क्या कहीं भी खेलने के लिए जा सकता है। लेकिन हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में इन्होंने ही एक ऐसा काम करा है कि इन्होंने मुझको ये बिलीव करने पे मजबूर कर दिया है कि रियान पराग अब भी अच्छे से बदला तो नहीं है। अब क्या है पूरी कहानी, उस पर तो हम नजर डालेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से KL राहुल के एक जवाब ने रियान पराग की बोलती पूरे तरीके से बंद कर दी, किस तरीके से KL राहुल ने रियान पराग को सिखाया कि भाई एक अच्छा क्रिकेटर बनने के साथ साथ क्यों जरूरी है एक अच्छा कायदे का इंसान बनना। पर उससे पहले आप लोग जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी तक भाई T20 वर्ल्ड कप के मात्र 2 दिन हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों में जो परफेक्ट प्रेडिक्शन यहां पे आकांक्षा जी ने दी है भाई कसम से मालामाल बना रही हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो बनाते हो फैंटेसी टीम, जो करते हो प्रेडिक्शन, तो ये मौका मिस मत करो, एक बार जाके बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां से फ्री में एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा के बस फैंटेसी टीम बनाओ, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आकांक्षा की प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेडिक्शन करो, फिर देखो कैसे छपता है पैसा ही पैसा बाबू भैया। टाइम मत वेस्ट करो, फिर से कह रहा हूं लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके एक बार बस ज्वाइन करके देखो। खैर, अब आगे बढ़े अपनी कहानी में। तो जैसा मैं कह रहा था कि रियान पराग ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी बात कही जिसे सुन के, जिसे देख के दिल से बस यही आवाज निकली कि रियान पराग अब भी अच्छे से बड़े नहीं हुए हैं। भारत आर्मी नामक एक प्लेटफॉर्म पे हाल ही में जब रियान पराग ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान जब रियान पराग से एक सवाल पूछा गया कि आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप 2024 में सेमीफाइनल्स में कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं, तो रियान पराग जहां इस सवाल के जवाब में बहुत ही इजीली ये कह सकते थे कि ये 4 टीमें हैं, मुझे लगता है कि ये 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, या फिर वो ये भी कह सकते थे कि चाहे सेमीफाइनल में कोई भी जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क बस एक ही बात से पड़ता है कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते। आप आज के समय में किसी से भी ये सवाल पूछेंगे ना, चाहे कैसा भी आदमी हो, इन दोनों में से एक जवाब वो 100% देगा, या तो वो 4 टीमों के नाम बताएगा या फिर वो सीधे कहेगा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सेमीफाइनल में जा रहा है, मेरे को फर्क पड़ता है मात्र एक बात से कि इंडिया के T20 वर्ल्ड कप 2024 जीते। लेकिन पता है रियान पराग ने इस सवाल का जवाब क्या दिया? अगर मैं यहां पर रियान पराग के स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड कोट करूं तो वो कहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट इवन वॉन्ट टू वॉच द वर्ल्ड कप, आई विल जस्ट सी हु इज विनिंग इट एंड एट द एंड आई विल बी हैप्पी, व्हेन आई विल प्ले द वर्ल्ड कप देन आई विल थिंक अबाउट टॉप 4 एंड ऑल ऑफ दैट। भाई सच बता रहा हूं, इससे खराब जवाब मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना। मतलब रियान पराग ये कह रहे हैं कि मैं
मैं वर्ल्ड कप देखने नहीं वाला हूं क्योंकि मैं उस वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा हूं। इसको और आसान भाषा में बताऊं तो रियान पराग ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने देश के ही मैचेस नहीं देखना चाहता हूं क्योंकि उन मैचेस में मैं नहीं खेल रहा हूं, अगर मैं खेल रहा होता तो इन मैचेस के बारे में सोचता। मतलब आप ये सारी बातें उस खेल के बारे में कह रहे हो जिस खेल ने आपको यहां तक पहुंचाया है। चलो कोई रैंडम स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया होता तब भी आप ऐसे जवाब नहीं देते हो। अगर आज कोई मुझसे पूछेगा ना कि इंडिया का मैच चल रहा है हॉकी में, क्या आप यहां पे बताना चाहेंगे कि कौन सी टीम फाइनल खेलेगी, तो मैं क्या सीधे ये कह दूंगा कि यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कौन जीते कौन हारे, मैं तो देखने भी नहीं वाला हूं। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन अगर मैं क्रिकेटर हूं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हूं, और मुझसे क्रिकेट रिलेटेड खासकर T20 वर्ल्ड कप रिलेटेड ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपके हिसाब से कौन सी चार टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, और तब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं देखने ही नहीं वाला हूं, जब मैं खेलूंगा तब मैं इस बारे में बातें करूंगा, अभी मेरे को कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं तो भाई साहब वर्ल्ड कप देखने ही नहीं वाला हूं, तो निकलो। मतलब तुम समझ रहे हो यहां पे इस स्टेटमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आपको वो खेल पसंद नहीं है, आपको रियान पराग वो खेल खेलता हुआ पसंद है। तुम यार दो पल के लिए अपना खुद का दिमाग लगा के सोचो। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो हर साल ओलंपिक के लिए ट्राई करते होंगे, लेकिन क्या हर आदमी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक में जा पाता है? तो वो जो सारे एथलीट्स हैं जो ओलंपिक में नहीं जा रहे हैं, कल को वो अगर ये कहने लगे कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता इंडिया कितना गोल्ड जीत रही है, इंडिया क्या कर रही है, जो लोग गए हैं वो जीत रहे हैं हार रहे हैं, मैं तो देखने ही नहीं वाला हूं ओलंपिक, अगर वो लोग ऐसी बातें कहेंगे ना तो आप लोग ना उनकी देशभक्ति पर शक करने लगेंगे, जो कि करना बनता है। मतलब ऐसा कौन कहता है भाई मैं ऐसी बातें स्कूल के लेवल पे भी नहीं कहता था, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है मैं अगर ये कह रहा हूं कि यार मेरा स्कूल जीते हारे मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं तो मैच ही नहीं देखने वाला हूं, तब भी लोग पता है मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा सोचेंगे, तब भी लोग मेरे कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। और भाई जैसा मैंने कहा, सवाल उठाना बनता है। स्कूल की बात तो छोड़ ही दो, ये स्कूल का मैटर नहीं है, ये देश की बात है, T20 वर्ल्ड कप की बात है। मतलब एक इंडिया का इंसान चाहे कुछ भी वो करता हो, कुछ भी वो करता हो, अगर इस सवाल के जवाब में वो ऐसा जवाब दे रहा है, मतलब भाई पूरे तरीके से शर्मसार करने वाली बात है। इसके अलावा हाल ही में PTI को इंटरव्यू देते हुए जब रियान पराग से पूछा गया कि आपका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बारे में आपका क्या कहना है, तो रियान पराग इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे को अपने आप पे पूरा बिलीव है और मुझको पता है कि एक ना एक दिन उन लोगों को मुझे लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ रियान पराग ये भी कहते हैं कि इस स्टेटमेंट को सुन के ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हूं, लेकिन ये मेरा एरोगेंस नहीं है, ये मेरा बिलीव है खुद पे कि कुछ भी करके मैं एक दिन तो इंडिया के लिए खेल के रहूंगा। जब मैं 10 साल का था तब से मैं और मेरे पिता यही सपना देख रहे हैं और मेरे को पता है एक दिन ये सपना पूरा होकर रहेगा। इस स्टेटमेंट में अब देखो कोई खराबी नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार थोड़ा ज्यादा यहाँ पे ईगो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसी ही बात करनी थी रियान भाई, लेकिन आपने तो ऐसी बात कह दी, कसम से मेरा माथा फिर गया। वैसे अगर आप में से कोई है जिसने रियान पराग के ये इंटरव्यूज विजुअली नहीं देखे हैं, स्टेटमेंट्स तो मैं आपको साथ ही साथ दिखाई रहा हूं, लेकिन अगर आप विजुअली खुद रियान पराग के मुंह से बातें सुनना चाहते हैं तो पूरी वीडियो मैंने डाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जाइए जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, उसके बाद अपना ऑनेस्ट रिएक्शन आके कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी कई वीडियोस हम अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे लाते रहते, तो यहां से ज्वाइन कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। वैसे देखो यहां से आगे बढ़ते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यार कुछ वक्त पहले जब IPL 2024 चल रही थी और लखनऊ सुपर जायंट्स अपना आखिरी मैच खेल रही थी, उस आखिरी मैच में जब हर्षा भोगले KL राहुल से यूं ही मजाकिया अंदाज में एक सवाल पूछते हैं कि अब जो IPL खत्म हो गई है तो अब क्या जो आपके फादर इन लॉ हैं सुनील शेट्टी वो अब तो आपकी ही टीम में होंगे ना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। IPL शुरू होने से पहले एक ड्रीम 11 का एड आया था जो कि पूरे IPL के दौरान चल रहा था, जहां क्या देखते हैं कि जो KL राहुल है वो सुनील शेट्टी के पास जाते हैं, उनको पापा कहते हैं, लेकिन सुनील शेट्टी कहते हैं कि जब तक टूर्नामेंट ऑन है शर्मा जी का बेटा मेरा बेटा, मतलब सुनील शेट्टी कह रहे थे भाई जब तक IPL चल रही है तब तक मैं मुंबई को सपोर्ट कर रहा हूं, पापा और बेटा वाला रिश्ता गया तेल लेने। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हर्षा भोगले ने जब लखनऊ के आखिरी मैच में KL राहुल से यही सवाल किया कि अब जब IPL खत्म हो गई है, अब जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच दूरियां आ गई थी IPL 2024 के दौरान, वो दूरियां तो दूर हो जाएंगी ना, क्योंकि मुंबई का भी सफर खत्म हो गया था, लखनऊ का भी खत्म हो गया था, तो भाई देखो सवाल तो मजाकिया अंदाज में पूछा था लेकिन इसका जवाब जो KL राहुल ने दिया था भाई हर किसी का दिल जीत लिया था। KL राहुल ने बिना एक सेकंड लिए, बिना एक पल बर्बाद किए सीधे एक स्टेटमेंट दिया था कि अब जब IPL खत्म हो गई है तो मैं और मेरे फादर इन लॉ दोनों
एक ही टीम में रहेंगे और एक ही टीम में रह के शर्मा जी के बेटे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब हम दोनों ही यही चाहते हैं कि शर्मा जी का बेटा जाए और जाके T20 वर्ल्ड कप जीत के लाए। रियान भाई ऐसे जवाब दिए जाते हैं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता टीम में है या नहीं है। और देखो ऐसे स्टेटमेंट दोगे ना तो कल कुछ शायद आप अच्छा खेल भी रहे होंगे, आप टीम में आना डिजर्व भी करते होंगे, लेकिन ऐसी बातें आपको टीम से दूर रखती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा टीम को सिर्फ एक अच्छा प्लेयर नहीं चाहिए होता है, एक अच्छी सोच वाला इंसान भी चाहिए होता है, अच्छा टीम मैन भी चाहिए होता है। अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो सफर जो है मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि रियान इस बात को समझेंगे, और अगर नहीं समझे तो उनकी मर्जी, कोई किसी को ना ही बदल सकता है ना ही कोई किसी को रोक सकता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का इस पूरे ही सिनेरियो पे क्या टेक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक बार जाके रियान पराग की वो इंटरव्यू वाली वीडियो खुद देखिएगा जो वीडियो हमने डाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी जल्दी से जाइए जैसा मैंने कहा याद से ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को। आज के दिन भी होने हैं बड़े बड़े मैच, तो जल्दी से जाइए उन मैचेस की मांगिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन और उनके बेसिस पे बनाइए एक्यूरेट फैंटेसी टीम और छापिए पैसा ही पैसा। बाबू भैया जल्दी जाओ, टाइम मत वेस्ट करो, वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।